राष्ट्रीय मिक्स मार्शल आर्ट प्रतियोगिता नीमच मध्य प्रदेश में संपन्न होने जा रही है, जिसके लिए छत्तीसगढ़ से टीम का सिलेक्शन किया जा रहा है। इसमें भिलाई के केपीएस स्कूल में प्रदेश के 16 जिलों से आए 200 खिलाड़ी अपना चयन करवाने के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं। यह प्रतियोगिता 2 दिवसीय रखी गई है, जिसमें प्रथम दिन सभी राउंड के नॉकआउट मैच खेले गए। प्रतियोगिता के दूसरे दिन के आयोजन में सेमीफाइनल और फाइनल मैच खेला जाएगा, जिसके बाद यह साफ हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश की मिक्स मार्शल आर्ट टीम में किन प्रतिभागियों ने जगह बनाई है और किस जिले के खिलाड़ी सबसे ज्यादा चयनित हो पाए हैं। प्रतियोगिता के प्रथम दिन के आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि नगर पालिक निगम भिलाई के MIC सदस्य PWD प्रभारी एकांश बंछोर शामिल हुए और उन्होंने प्रतिभागियों सहित आयोजकों को इस आयोजन के लिए ढेरों बधाइयां दी। टर्टल गोल घूमो, पीछे आओ, पीछे आओ, गोल घूमो, पीछे आओ, पीछे बैक लो, हाँ वो भी आएगा, ग्लेटिन भी आएगा, आएगा ग्लेटिन, पीछे फंसाओ, पंचेज निकालो, निकलो घुटने के बल आओ, ग्लेटिन बनाओ, टर्न करो। And we have our winner by a एकदम सही कहा आपने, एकदम अलग सा कार्यक्रम रहा। आज तक सब भिलाई वाले इसको मूवीज में देखे हैं, टीवी पे देखे हैं, आज एकदम सामने देखने पे रोंगटे खड़े हो गए। इतने अच्छा फाइटर्स आए हैं, इतनी अच्छा आयोजन है, इसलिए मैं आयोजन समिति को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनकी मांग थी कि सरकार से उनको काफ़ी कुछ मदद मिले, इस पर क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि आप लोग की सत्ता है तो। जरूर हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे और जो बुनियादी मदद हम दिला सकें वो दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। आज देखिए छत्तीसगढ़ के अंदर एक CG स्टेट MMA चैंपियनशिप है छत्तीसगढ़ मिक्स मार्शल आर्ट एसोसिएशन की तरफ से। ये यूनिट ऑफ MMA इंडिया फेडरेशन है, जो इंडिया का गवर्निंग फेडरेशन है। ये स्टेट चैंपियनशिप नेशनल के लिए सिलेक्शन है, जो इंदौर में मध्य प्रदेश और नीमच में होने वाला है। May 19-22 ये इवेंट होगा। नेशनल में तकरीबन 350 फाइटर्स आएंगे पूरे इंडिया से। आज छत्तीसगढ़ के अंदर अपने भिलाई में KPS स्कूल के अंदर इवेंट हमारे आलोक सर और नितिन सर, जो छत्तीसगढ़ MMA एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी, आलोक सर प्रेसिडेंट है,
डॉक्टर दिव्या मैम इसके बोर्ड मेंबर है, ये सब की मेहनत से आज छत्तीसगढ़ एसोसिएशन के फाइटर्स को, छत्तीसगढ़ के स्टेट के बच्चों को अपना टैलेंट बताने का मौका मिल रहा और नेशनल में रिप्रेजेंट करने का भी मौका मिल रहा, जहां पे इंटरनेशनल का सिलेक्शन भी होगा। कितने बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया है और कितने आगे जाएंगे? इसमें तकरीबन 100 के करीब स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करे और इसमें सीनियर जूनियर और यूथ कॉम्पिटिशन है, तो इसके अंदर तकरीबन 30 फाइटर्स यहाँ से खेलेंगे, 30-35 पार्टिसिपेंट जाएंगे इधर से नेशनल के लिए। मेरा नाम शेख खालिद है, मैं एमएमए इंडिया का इंडियन टीम कोच हूँ और एमएमए इंडिया फेडरेशन से मैं इधर रिप्रेजेंटेटिव हूँ इवेंट के ऑब्जर्वेशन के लिए, ऑब्जर्वर एज ए रेफरी भी आया हूँ, जो इधर अच्छा सिलेक्शन कमेटी बैठकर टैलेंट को यहाँ से नेशनल के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं। सब अपना जितना भी प्रैक्टिस किए हैं वो सब रिंग में।